छप्पन इंच का सीना लेके डर गईला पंजाब से। अरे छप्पन इंच का सीना लेके डर गईला पंजाब से, पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाया बेच के हिंदुस्तान के। तुम इतनी ऐश्वर्यीय शक्तियों के साथ यदि आए हो कि तुम राम को ला सकते हो, तो नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या को कब लाओगे, जो हमारे टैक्स के पैसे चोरी करके हजारों करोड़ लेकर के हिंदुस्तान से चला गया। रेप अपहरण का तू दिया बढ़ावा। मौजूद हूँ कानपुर के घंटा घर में, बता दूं, और ये विधानसभा चुनाव हमारा जारी है और ये देख सकते हैं कि यहाँ के नौजवान का क्या रुझान है, क्या कहना है, क्या परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे। तो अभी अखिलेश यादव यहाँ पे आए और संबोधित किया, आइए मैं इनसे बात करता हूँ। एक नौजवान है, स्टूडेंट है, क्या कहना चाहेंगे आप ये सर? मेरा नाम DS पटेल, मैं एक नीट स्टूडेंट हूँ, मेडिकल प्रिपरेशन करता हूँ यहाँ कानपुर से। तो मैं मतलब इनको कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि 56 इंच का सीना लेके, मतलब मेरा 56 इंच सीना है। अरे 56 इंच का सीना लेके डर गईला पंजाब से। अरे 56 इंच का सीना लेके डर गईला पंजाब से, पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाया बेच के हिंदुस्तान के। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाया बेच के हिंदुस्तान के। किसानन पे मोटर कार चलवाया, अरे किसानन पे मोटर कार चलवाया, डरला ना तू भगवान से? 56 इंच का सीना लेके डर गईला पंजाब से। रेप अपहरण का तू दिया बढ़ावा। रामराज के, ये कौन सा रामराज है तुम्हारा? वादा किला रामराज के। हिंदू मुस्लिम का तू भड़कावा, अरे हिंदू मुस्लिम का तू भड़कावा, लाइकन पे लाठी चार्ज करावा, जो स्टूडेंट पर अभी RRB जो ये सब चीजों पर लाठी चार्ज हुई है। हिंदू मुस्लिम का तू भड़कावा, लाइकन पे लाठी चार्ज करावा, भक्तन से चीर हरण करो, डरला ना भगवान से? 56 इंच का सीना लेके डर गए पंजाब से। योगी सरकार ने किया, यहाँ स्टूडेंट को लाभ नहीं पहुँचाया है। क्या पहुँचाया भैया? हमारा नीट का पेपर, हमने नीट का पेपर देख करके आए, हमारा नीट का पेपर आउट हो गया। अच्छा, टेट का पेपर इसी बार आउट हो गया। हम कहते हैं कि अगर आप मतलब की इस तरह से आउट कराओगे तो हमारा, आप लोग जानते होंगे इस समय मेडिकल की फीस कोचिंग करना कितना महंगा है, घर वाले कितनी मेहनत करके देते हैं। जिस समय पैसा आता है ना, तो जिस समय पैसा देते हैं ना, हर बार यही कहते हैं कि बेटा थोड़ा मतलब समझ के, एज निकल जाएगी बेटा। और इस बार सरकार बन रही है, या अखिलेश भैया आएंगे? अखिलेश भैया ही आएंगे। अखिलेश यादव पहले थे, क्या क्यों नहीं आपके लिए ये बताइए। देखिए, जब अखिलेश भैया थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार वैकेंसियां निकाली जिसको बहुत नीड थी, जो मतलब युवाओं को बहुत ज्यादा जरूरी थी। और इस तरह दंगा फसाद तोड़ने की कोई अपना हक मांगे तो उनको लाठी मार के तुम भगाओ, ये कहां की बात है भाई? हम तुम्हें सत्ता में लाए, अगर हम तुमको चुन सकते हैं तो तुमसे जवाब मांग सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, अगर हम तुमको वोट दे सकते हैं तो तुमसे हम नहीं मांगे, दूसरे से पूछने जाएंगे। जहाँ पर कोचिंग करते हैं जिस इंस्टीट्यूट में, लगभग वहाँ पर 2500 स्टूडेंट हैं जो हर कास्ट के वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सब यही कह रहे हैं कि बस इस बार भैया आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, क्योंकि जो युवा हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस देश में युवाओं को पढ़ाई के रूप से हटा करके उनको जाति पात और हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काया जाए, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। तो यहाँ जो यहाँ जो प्रत्याशी है अमिताभ वाजपेयी जी, क्या जीत रहे हैं? या जीत जाएंगे, पक्का जीत गए? या तो क्या चुनाव जो लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं वो? अरे उनका मुद्दा ये है कि मतलब पहली बात तो रोजगार की बात करेंगे, और यहाँ का जो है डेवलपमेंट मतलब कि इसका विकास देखेंगे बस, और उसके बाद फिर आम व्यक्ति की आवाज। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि हाँ, जो हमें चुन रहा है उसकी मतलब उसकी मदद कर सकें, जो हमें वोट दे रहा है उसकी मदद कर सकें। हम आम जनता की भी बात करेंगे, आम जनता यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार अखिलेश यादव की सरकार बन रही है क्या? बन जाए अच्छी है, 15 दिन से नौकरी लिए क्यों बनना चाहिए ये बताइए। अरे नौकरी बेरोजगार से बहुत डर है। अच्छा, कुछ काम उन्होंने बचा है, 5 साल में कुछ काम हुआ नहीं है क्या? नहीं तो काम कार्यकाल में काम हुआ नहीं है, जो हमारे पास पेड़ में रोटी नहीं तो हमारे लिए कुछ नहीं है। आपके लिए हुआ तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ घंटा घर, आपको बता दूं कि घंटा घर पे मौजूद हूँ। यहाँ जो है प्रत्याशी जो है अमिताभ वाजपेयी जी हैं, और यहाँ के जो समर्थक हैं, यहाँ कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या रुझान है इनका, क्या रुझान लग रहा है आपको? रुझान तो आपको ये भीड़ और ये ऐतिहासिक घंटाघर का चौराहा दिखा ही रहा है कि इन छोटी छोटी विधानसभा की गलियों से लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब निकल करके अपने होने वाले उत्तर प्रदेश के भविष्य और भावी मुख्यमंत्री जी को देखने आ गए, क्योंकि
झूठ पाखंड जो 5 साल से जा रहा है, बहलाया जा रहा है। 80 और 20 की लड़ाई करी जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या है। हमारा देश ही पैदा हुआ था एक लोकतंत्र के साथ, और इस लोकतंत्र को हत्या करने का यदि कोई प्रयास करेगा तो जनता उसको बख्शने वाली नहीं है। इनके झूठ का अंत होना तय है। आपकी पार्टी किस मुद्दे पे लड़ाई चुनाव? हमारी पार्टी 12 से लेकर 17 तक जो विकास किए हैं, जो विकास की गंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई नई मल्टीनेशनल कंपनीज अमूल, HCL, TCS जैसी कंपनी उत्तर प्रदेश में लेकर के आई, जो लोग कतराते थे उत्तर प्रदेश और बिहार में जाने से पहले, उस मुद्दे को लेकर के 18 लाख लैपटॉप को लेकर के 22 लाख नई नौकरियों को लेकर के बेरोजगारों को नए व्यापार या नई सुविधाएं देने के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आई है। इनका एक ही मुद्दा था, गली गली घूम रहे हैं राम का नाम लेकर के, वोट नहीं भीख मांग रहे हैं। जो राम को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे, हमें भीख नहीं देनी है उनको। उनसे एक सवाल बस पूछ रहे हैं, तुम इतनी ईश्वरीय शक्तियों के साथ यदि आए हो कि तुम राम को ला सकते हो, तो नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या को कब लाओगे, जो हमारे टैक्स के पैसे चोरी करके हजारों करोड़ लेकर के हिंदुस्तान से चला गया। मैं निवेदन करता हूँ उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता से कि विकास को मुद्दा बना करके, खुशहाली को मुद्दा बना करके, इन सारी चीजों को लेकर के आप नई प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाइए। क्योंकि जब पेट में अन्न रहेगा, हमारे अंदर शक्ति रहेगी, तो हम धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट लेकर के आया है राम मंदिर, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ मौके का फायदा उठा करके अपने इस चुनावी मुद्दे को बनाना चाहते हैं। तो मेरा जनता से निवेदन है कि आप किसी भी बहकावे में या भ्रम में मत आइएगा। आप प्रचंड बहुमत से आने वाली सरकार, समाजवादी सरकार की साइकिल को दौड़ाइएगा। और पूरा परिचय बता दो। मैं चंकी गुप्ता हूँ, मैं युवजन सभा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, और मैं बीटेक भी किया हुआ है मैंने। आप किस तरह से, आपको नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी नहीं जनता आपको विकास का काम हुआ है? मंदिर निश्चित रूप से हमारी आस्था का प्रतीक है, मंदिर बनाया उसका बहुत बहुत स्वागत करते। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो DPR काशी विश्वनाथ का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछली सरकार में तय करके चले गए थे, उसी DPR को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने बजट पास किया और वहाँ के जो लोग थे उनको विस्थापित किया। मेरा एक ही सवाल है, यदि काशी विश्वनाथ मंदिर बना उसका मान सम्मान है, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं अपनी आस्था को सर्वोपरि रखता हूँ, लेकिन देश से नीचे आस्था होनी चाहिए। देश से ऊपर आस्था जाएगी तो लोकतंत्र को खतरे में लाने का काम करेगी। मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप धर्म को तो लेकर चले ही, लेकिन विकास का मुद्दा जरूर बनाए। जो काशी कॉरिडोर बना हुआ है उसमें 350 दुकानें निकालने का क्या औचित्य था, और वो दुकानें ऊंचे ऊंचे कीमतों पे नीलाम करने का क्या औचित्य था? यदि आपको मंदिर बनाना था तो वहां पे सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे मंदिर थे जिनको जड़ से उखाड़ दिया गया, क्या उनकी पौराणिक आस्था नहीं थी? और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, बाबा भोलेनाथ वैराग्य के देवता है, वैभव के देवता नहीं है। उनको तो वहाँ हिमालय पे, कैलाश पर्वत पे एकांत में रहने का वो था, आपने आलीशान उनके लिए महल बना दिया, उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन जो वैराग्य का देवता है उसको वैभव की आवश्यकता नहीं थी। आपने जनता को और ईश्वर को भी छलने का काम किया है। करे जर्मनी में भी क्या हुआ था, हिटलर ने सिर्फ तानाशाही के दम पे सरकार चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तानाशाही का भी अंत होता है भाई। ये समय चक्र है, काल चक्र है, कभी ना कभी जो आज दिन है तो वो रात होनी है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है वो खुद एक इंजीनियर है, वो विकास को मॉडल बांध करके, विकास को मुद्दा बना करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इस बार इतनी दम से साइकिल चला देना कि इन झूठे मक्कार और दुष्ट पापी लोगों को इनकी हैसियत पता चल जाए। ये वो इंजन यहाँ से लेकर के विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर विकास तक लेके जाएगा, वो इंजन सिर्फ वो सिर्फ अखिलेश यादव जी। यहाँ हमारे साथ और भी मौजूद है जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पार्टी सुप्रीमो जो है यहाँ पर आके जिस तरह से जनता को संबोधित की, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे इस बार सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, 10 मार्च को हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही। भारतीय जनता पार्टी केवल राम के नाम पे वोट मांगती है, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, छात्रों के लिए कुछ नहीं किया, छात्र हमारे सब बेरोजगार हैं। TAT का पेपर लीक हो जाता है, बीयर बार में पेपर बनवाते हैं,
केवल इन्होंने सरकार ने केवल एक झोला पकड़ाया है, 200 रुपए का राशन देते हैं उसमें कितना बड़ा झोला पकड़ाते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं और राम के नाम पे वोट मांगते हैं। 20 तारीख को मतदान करें, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख पा रहे हैं एक ऐतिहासिक जगह, मैं बता दूं कि कानपुर का, उत्तर प्रदेश में कानपुर है और कानपुर का ये जो घंटाघर है, यहाँ आप दिखा दूं कि ये घंटाघर के सामने जो यहाँ पे जिस तरह से सुप्रीमो जो है समाजवादी पार्टी के वो यहाँ पे अखिलेश यादव जी आए और जनता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर वोट दीजिए, धर्म के नाम पर वोट ना दीजिए। धर्म भी ज़रूरी है लेकिन विकास ज़्यादा महत्व रखता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। JKB News को देखने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें और लाइक करें।